मिनिस्टर विल मंत्री जी, आपने 2000 का नोट छपा दिया, आपने जो नोटबंदी का फैसला लिया है। इज इक्वल टू सिफर बटे सन्नाटा, फिर चाहे वो संसद में हो या फिर आम आदमी के कारोबार में, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया गाजियाबाद में व्यापारी परेशान है और यही हाल देश में हर जगह है। इसका हल क्या हो, और जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा बरपा कर रखा हुआ है पिछले 7 दिनों से, संसद की कार्यवाही शुरू हुए 7 दिन हो गए हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है। इससे पहले हमने ब्रेक से पहले आपको गाजियाबाद के लोगों की राय सुनाई थी, एक कारोबारी का हाल बताया था, बाबा विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल भी सुन लीजिए। आपको दिखाते हैं वहां के रिपोर्टर रत्नेश राय के जरिए लोग क्या कह रहे हैं। बुनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो कर्गो पे क्या असर आया, यानी कि सीधे सीधे इसका असर जो बनारस का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पे देखने को मिलता है। हमारे साथ ऐसे ही बुनकर हैं जिनके हाथों से बुन के ये सारी चीजें आप तक पहुंचती हैं, इस पे क्या असर आया है नोटबंदी का, क्या नाम? वसीम अहमद। वसीम भाई, क्या असर दिख रहा है नोटबंदी का आपके? असर तो बहुत दिख रहा है इसमें, साड़ी लेकर जाते हो तो भाई पुरानी नोट मिलती है हम लोग को है, अब जब बैंक में जाते हैं तो दिन भर वहीं निकल जाता है, अब फिर उसके बाद फिर निकालने जाओ तो पैसा मिलता नहीं है, तो हम लोग मतलब इसमें क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या ऑर्डर मिलने में और ले जाने में क्या दिक्कत आ रही है? आप बता रहे थे कि कुछ कंपनियां वापस कर दे रही हैं। कंपनियां काम बंद कर दिया है, कोई कंपनी फाइव इंडिया का हम लोग काम करते थे, हमारी सिल्के विवस समिति है जो बुनकर कालीन की है, उन्होंने जो ऑर्डर बनवाया था आज के 3-4 महीना पहले वो माल भी हमारा वापस कर दिया और जो काम जितना था सब ठप कर दिया। कहते क्या लोग, अगर आप जब जाते हैं वहाँ पे तो क्या ऑर्डर मिल रहा है आपके पास और जो ऑर्डर था क्या वो भी नहीं ले रहा है? वो भी कैंसिल हो गया, जो माल हमारा गया था वो वापसी कर दिए। तो क्या कुछ अब नए ऑर्डर आप लोगों को कब तक मिलेंगे? इसकी कोई संभावना नहीं, अभी तो हम लोग कुछ इस पर बता ही नहीं सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी बताए इस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। नोट बंद के नोट जो उन्होंने बंद करा वो सही किया है लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इसकी व्यवस्था अगर से एक छोटे लड़के से भी राय लेते तो वो पहले बनाता कि अगर हमको कुछ बंद करना है तो उसकी एक व्यवस्था हम बनाते हैं, नोट हम छाप लेते सब कर लेते मार्केट में, उसका भले किसी को हम ना बताते अंडरग्राउंड रखते लेकिन एक व्यवस्था बनती ना पहले कि ऐसे कि ये बहुत गलत काम हुआ है। अब पब्लिक जा रही खाली परेशान हो रही रोज खाली, बस यही चीज खाली। ये अगर हम बात करें जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे करघे पे कपड़े बुनते हैं तो इसका इस पे असर कब तक दिखाई देगा आने वाले समय में? इसका असर तो हम समझते हैं सालों तक दिखाई देगा मिनिमम, मतलब बता रहे हैं बहुत जबरदस्त और बहुत बुरा हाल है। चलिए, बुनकरों का ये कहना है कि दिन भर जो है वो लाइन में बीत जाता है, जो इनके सप्लायर है वो 500 का नोट देते हैं और रेशम का दाम जो है वो भी बढ़ गया है, तो आने वाले समय में इनका कहना है कि नोटबंदी का असर जो वाराणसी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर काफी दिखाई देगा और काफी दिनों तक दिखाई देगा। रत्नेश राय, इंडिया वॉइस, वाराणसी। तो हर तरफ 0/0 यानी 0/0 है, चाहे वो संसद हो या फिर एक आम कारोबारी का घर हो, उसकी दुकान हो या एक आम आदमी की जिंदगी हो, यह स्थिति हो गई है पिछली 8 तारीख से, इसको आप नकार नहीं सकते। हो सकता है आगे आने वाला वक्त अच्छा हो लेकिन ये वक्त बहुत कठोर है, कड़ा है, सख्त है और वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बात अगर सियासत की करें तो उसकी कोई रवायत नहीं होती, वक्त के साथ उसके तरीके और परिपाटी बदलती रहती है लेकिन पिछले 2 दशकों से हिंदुस्तान में संसद से लेकर सड़क तक शोर शराबा करने की जो एक परिपाटी बनी है उसके बीच ऐसे कई मामले हो जाते हैं जो जनहित के होते हैं वो दब जाते हैं, बस सिसकियां ही भरकर रह जाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा है इन दोनों हमारी संसद का, जी हां हमारी संसद का, और जो नोटबंदी के चलते हो रहे हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। ये शोर शराबा, ये हंगामा, पर बस यही हाल है इन दिनों सड़क से लेकर संसद तक, जहां एक ओर अपना ही पैसा पाने के लिए आम आदमी बैंक के बाहर सड़क पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है और जब इंतजार की इंतहा हो जाती है तो मारपीट और संघर्ष करने लगता है। तो वहीं आम आदमी की आवाज होने का दावा करने वाले
सांसद भी संसद में गला फाड़ रहे हैं और उनकी इसी आवाज में दबकर कई बिल पास होते होते फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये हंगामा नोटबंदी के बाद से लगातार पहले सियासतदान सड़क पर बरपा रहे थे और अब संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन से संसद में बरपा रहे हैं। विकास की गाड़ी किसी एक पहिए पे ना टिकी होती है और ना ही चल पाती है। वैसे ही नोटबंदी को लेकर जो कुछ संसद में हो रहा है उसे सत्ता पक्ष के लोगों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जनहित से जुड़े उन मुद्दों पर जरूर पड़ रहा है जिनको बिल का रूप देकर इस शीतकालीन सत्र में पेश होना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2016, HIV प्रिवेंशन बिल 2014, मेंटल हेल्थ केयर बिल 2013, मैटरनिटी बेनिफिट बिल संशोधित 2016, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल 2013, डिवोर्स बिल 2016, फैक्ट्रीज बिल 2016, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2015। यूं तो अमूमन इस तरह की परिपाटी अब हमारे देश की राजनीति में न केवल जन्म ले चुकी है बल्कि वक्त के साथ बढ़ती ही चली जा रही है कि खुद को जनता का हिमायती दिखाने के लिए संसद के वेल से लेकर गलियारे तक बस शोर ही शोर करो। जितना शोर उतना ही बड़ा जन हिमायती ये नेता खुद को समझने लगते हैं, लेकिन ये माननीय भूल जाते हैं कि एक मुद्दे को लेकर कर रहे शोर के बीच ये कई अहम मुद्दों का गला घोंट देते हैं और वो भी इस कदर कि वो मुद्दे इस हंगामे में कहीं दबके रह जाते हैं, सिर्फ दबकर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो कई अहम मुद्दे दब कर रह गए हैं जो इस संसद के सत्र में उठाए जाने थे, उनका हाल भी सिफर बटे सन्नाटा की तरह हो गया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने एक सर्वे करवा लिया अपने ऐप पर जिसमें कि लोगों ने 90% उन्हें सहयोग किया है ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से। विपक्षी दलों ने खासतौर से मायावती ने इसे फर्जी करार दे दिया। उनका कहना है कि ये एकदम फर्जी दावा है और अगर आज इलेक्शन हो जाए तो जनता बता देगी कि वो किस तकलीफ में है और प्रधानमंत्री को एहसास हो जाएगा। तो इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से सामने आ रही हैं। सरकार के अपने तर्क हैं, सरकार का कहना है कि साफ तौर पर वो इस कदम से अब पीछे किसी भी सूरत में नहीं हटेगी। वही विपक्ष एकजुट हो गया है और लगातार अपनी बात रख रहा है, आम आदमी की परेशानी का हवाला दे रहा है और अपनी सियासत भी कहीं ना कहीं चमका रहा है। इस बीच हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार फोन नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। देहरादून से नौशाद खान साहब हैं। नौशाद साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं जनमंच पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, कल में जो है आप तो जानते हैं देहरादून में कारगी चौक हैगा, वहाँ पे एक बैंक हैगा भारतीय स्टेट बैंक जी, उसमें वहाँ लाइन में जाके लगा सुबह 6 बजे और 2 बजे तक के जो है वहाँ नंबर जो आया कह दिया कि पैसा खत्म हो गया, 3 बजे पैसा आएगा तब मिलेगा। और मेरी सिस्टर जो है जोली ग्रांड में भर्ती हैगी। अच्छा, आप इंक्वायरी भी करवा सकते हो, यास्मीन उसका नाम है। और मुझे जो है बहुत सख्त जरूरत थी, आप तो जानते ही है फेमस है जोली ग्रांड, तो जोनीग्रांड हॉस्पिटल जो है जी जी, तो उसके बाद में जो है 3 बजे फिर हम लोग अंदर जो गए तो अब जी के रास्ते से जो है नोट बदले जा रहे और हम जो है खड़े के खड़े रह गए और उन्होंने आधे घंटे बाद ये कह दिया, कहने लगे जिनके पहले से लगे हुए थे उनको पैसा मिल गया और पैसा खत्म हो गया। अब सर हमें ये बताओ, ये जो आपकी सरकार ने या हमारी सरकार ने जो किया, कम से कम बीमारों के लिए तो कुछ तो ख्याल करना चाहिए। और अगर आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इंक्वायरी करवा सकते हो जोली ग्रांड हॉस्पिटल में। नहीं, हम आपकी समस्या को बिल्कुल समझ सकते हैं नौशाद साहब,
और आपकी समस्या बिल्कुल सही हो सकती है, बहुत तकलीफ वाली स्थिति है। बिल्कुल ये स्थिति बहुत लोगों के साथ हो रही है, हमेशा अधिकांश लोगों को किसी ना किसी इसी तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अब हम आपको क्या कहें, लेकिन विपक्ष भी इसी मुद्दे को उठा रहा है संसद में और बार बार उठा रहा है, एकजुटता के साथ उठा रहा है। अब इसको कोई अगर सियासत कहे तो कह सकता है, या विपक्ष अपनी सियासत चमकाने का इसे मौका देख रहा हो तो ये संभव हो सकता है, लेकिन उठाया जा रहा है। इसके चलते बहुत से काम रुके हुए, लेकिन ये मुद्दा भी बहुत अहम है। और ये तकलीफ जो इस वक्त संसद में विपक्षी नेता उठा रहे हैं, इसी तरह की बातें वो कर रहे हैं और इसी तरह की मिसालें पेश कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। बिल्कुल नौशाद साहब, आपकी परेशानी जायज है, 100% जायज है, उसका हल होना चाहिए और इस सिलसिले में संवेदनशीलता बैंकों को भी बरतनी चाहिए और इस सिलसिले में कहीं ना कहीं सरकार को भी पहले से तैयारियां रखनी चाहिए थी, जैसा कि विपक्ष का भी कहना है। आज मायावती ने भी कहा कि आपका तरीका हो सकता है कि ये सही है, नोटबंदी का हम उसके साथ हैं, लेकिन आपने तैयारी जो की वो सही नहीं थी। इस बात को लेकर तमाम तरह के सवाल संसद में भी उठ रहे हैं, यानी नौशाद साहब आपकी बात संसद में भी उठ रही है, ये हमने देखा। राम नारायण एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राम नारायण जी अपनी बात रखिए। हाँ जी जी सर, बताइए। सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं इतना जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी से मैं ये, आप ट्विटर पर बात करते हैं, 90% लोग हमारे साथ हैं, 80% लोग गांव में भारत में गांव में रहते हैं जी, उसके पास कोई ट्विटर का फोन ही नहीं है और वो नहीं जानते हैं कि मोदी जी ट्विटर कैसे जुड़े और मोदी जी कैसे हैं। 90% जनता मेरे साथ है। मोदी जी एक लैंडलाइन फोन चालू करके बात करें तो पता चलेगा क्या मोदी जी के साथ है या नहीं है। मैं आपको ये दर्शक कहना चाहता हूँ। जी जी जी, मतलब आपके भी मुताबिक जो 90% लोग प्रधानमंत्री के साथ है होने का दावा किया जा रहा है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो गड़बड़ है। रामनारायण जी चालू करके देख लें कोई साथ है क्या। बिल्कुल, लैंडलाइन फोन से बात कर देख लें आपका कहना। आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, मेरी बात सुनो, गांव 80% लोग भारत के गांव में रहते हैं, उसके पास ट्विटर चलाने का फोन नहीं, कोई जानते हैं फेसबुक चलाना जानते नहीं है जी। ठीक है, आप एक फोन चालू कर बताइए कि इस पर बात करें तो हम बताते हैं आपको। बिल्कुल रामनारायण जी, आप के गांव में भी यही सब समस्या से इस वक्त आप लोग जूझ रहे होंगे। गांव में मेरी बात सुनो जी। हेलो जी जी, बोलिए। जो पैसा लाने के लिए गया बैंक में वो मर गया। ओहो ठीक है, एक पैसा भी नहीं देता है, लोग भूखे मर रहे हैं। ये हालात आपने बहुत अहम बताए, बहुत धन्यवाद रामनारायण जी अपनी बात रखने के लिए। और आपने बहुत बड़ी बात कही, जिस बात को लेकर शक व शुबा विपक्ष जाहिर कर रहा है, उस बात को लेकर के हमारे कॉलर जो ग्रामीण इलाके के कह रहे हैं कि वाकई अगर आपको सर्वे कराना है तो इस वक्त आप लैंडलाइन से लोगों से बात कर लीजिए, जिनके पास इस तरह का मोबाइल ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो कैसे अपनी राय दे सकते हैं और फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि 90% लोग सरकार के इस फैसले के साथ हैं। बड़ा सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काम इज इक्वल टू 0/0 है, चाहे वो संसद की बात हो और चाहे गांव की बात हो, चाहे वो कारोबारी की बात हो, दुकान की बात हो या शहर की बात हो। ये हालात कोई बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं एक चलते हुए देश के लिए। एक और छोटा सा वक्फा, एक ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनमंच और हमारे साथ जुड़ते रहिए। प्राइम मिनिस्टर विल मंत्री जी, आपने 2000 का नोट छपा दिया, आपने जो नोटबंदी का फैसला लिया है